हेलो फ्रेंड्स, अभी जो कि मेरे पास है ऑन सेवन का फ़ोन है। मॉडल क्या है ना, सैमसंग G600FY। ये मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, FR भी लग लगा है। इसको हम गूगल अकाउंट को बाईपास करेंगे, इजी प्रोसेस में करेंगे और कम टाइम में जो कि हो पाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है। और अभी देखिए, मैं वाईफाई भी कनेक्ट कर रहा हूँ, वाईफाई मेरा कनेक्ट हो गया। तो नेट करते हैं, तो यहाँ पर एग्री कर देते हैं। एम पे कनेक्शन, सॉफ्टवेयर अपडेट, और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड चेक इन्फो। यहाँ पे आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, वेरीफाई और अकाउंट, मतलब प्रीवियस गूगल अकाउंट मांग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, बाईपास कैसे करेंगे, बैक कर दीजिए। बैक करके जब आप वाईफाई ऑप्शन में आ जाओगे, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाना, आर नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने को मिलेगा। कुछ भी एक लिख दीजिए, यहाँ पे आप सिलेक्शन उसको कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको गूगल असिस्टेंट देखिए 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने से दो तीन सेकंड आप वेट कीजिएगा, तो गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, गूगल ओपन हो गया। तो यहाँ पे नो थैंक्स कर देते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं क्रोम। CH लिखने से आपको क्रोम आ जाएगा। तो आप ज़रूर क्या कीजिए, क्रोम के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने से क्रोम जो कि ओपन हो जाएगा। देखिए, मैं क्लिक कर दिया, क्रोम जो कि हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे जो कि हम आप देखिए, मेरा वेबसाइट आपको जाना पड़ेगा। वेबसाइट क्या है, नो थैंक्स कर देते हैं जी। यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, www.rajutricks.in, RAJUTRICKS। देखिए, ये वेबसाइट है मेरा। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको साई मोबाइल करके आपको खुल जाएगा। ये जो साई मोबाइल करके ये जो ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पे अभी 2 नंबर पे देखिए, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। FRPAP के जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने से आपको और एक जो नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको APK फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप पेज को ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा EGFR की, सबसे ऊपर जो है EGFR भी जो APK है, उसको पहले आप डाउनलोड कीजिए जी। मैंने अभी डाउनलोडिंग कर दिया, मीडिया फायर में ओपन हो गया। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, परमिशन कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने से यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग जो कि स्टार्ट हो गया। तो ये स्टार्ट होने के बाद आप बैक कीजिएगा। बैक करके और एक जो दूसरा फाइल जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, अपेक्स लॉन्चर। यहाँ पे देखिए, ये जो है 3 नंबर पे अपेक्स लॉन्चर जो है, उस पर क्लिक कीजिएगा। मीडिया फायर में आ जाओगे तो यहाँ पे आप अपेक्स लॉन्चर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी अपेक्स लॉन्चर को डाउनलोडिंग कर रहा हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग ऑप्शन कहाँ पर है, डाउनलोडिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, नीचे आपको देखिए ऑप्शन, जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा ओपन करके। ये देखिए, ये वाला आ गया। तो जल्दी आप ओपन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने से आपको पूरा डाउनलोडिंग पेज, आपको डाउनलोडिंग हिस्ट्री जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, EGFR भी हमारा डाउनलोडिंग हो गया। हम जो अपेक्स लॉन्चर जो डाउनलोड किए थे, वो भी डाउनलोडिंग हो रहा है। तो आप वेट कीजिए, देखिए वो हो गया। तो पहले हम क्या कीजिए ना, अपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल कीजिएगा। तो हम ये अपेक्स लॉन्चर को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, अननोन सोर्स कर देते हैं। तो अननोन सोर्स करने से यहाँ पे इंस्टॉलिंग ऑप्शन आ रहा है, तो हम इंस्टॉलिंग अभी कर रहा हूँ। थोड़ी देर वेट कीजिएगा, इंस्टॉल होने के बाद आप अपेक्स लॉन्चर को ओपन कीजिएगा। हो गया ओपन, अभी ओपन कीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद ओपन जब करेंगे तो आपका पूरा मोबाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे मेनू पे जाइएगा। मेनू पे जाने के बाद सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो मेनू के जाने के बाद सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एप्लीकेशन सेटिंग में जाना पड़ेगा। बैक कर दीजिए, गलत क्लिक हो गया, बैक जी। यहाँ पे आपको पहले आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन को, सेटिंग को जाके एप्लीकेशन मैनेजर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले सर्विस को आपको डिजेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे ऐप आ रहा है, आ गया तो ऊपर कीजिएगा, गूगल प्ले सर्विस ऑप्शन को जाएंगे। देखिए यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस, तो गूगल प्ले सर्विस को हम जो कि यहाँ पर डिजेबल कर देते हैं। डिजेबल करने के बाद बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद आपको जो ऑप्शन जाना पड़ेगा, क्या सेटिंग में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी सेटिंग में। मैंने बैक कर दिया। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे गूगल
सॉरी यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, उसको आप हमको जो कि डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में मिलेगा, सॉरी इधर नहीं है, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर और दर सिक्योरिटी सेटिंग, और यहाँ पे मिलेगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे देखिए डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो उसको डीएक्टिवेट कीजिए, उसके बाद बैक कीजिए, और बैक करके फाइल जो हम जो EGFR भी जो इंस्टॉल किए थे, सॉरी डाउनलोड किए थे, उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी जो कि EGFRP को मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ, और नॉन सोर्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे EGFRP को इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए, इंस्टॉलिंग अभी हो रहा है तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउन कर दीजिए, जब इंस्टॉल हो जाएगा ओपन नहीं कीजिएगा, डाउन कीजिएगा, फिर से बैक कर दीजिएगा, फिर से आप सेटिंग हो जाइएगा। सेटिंग को जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग कहाँ गया, इधर सेटिंग है। सेटिंग में जाने के बाद आप क्या कीजिए ना, अकाउंट को जाइएगा, अकाउंट पे जाने के बाद ऐड अकाउंट, उसके बाद गूगल पे क्लिक कीजिए। देखिए ये गूगल आ गया, गूगल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा ना, मेल आईडी मांगेगा, नया मेल आईडी जो साइन इन करने के लिए। आप इधर क्या कीजिएगा ना, आपका खुद का मेल आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे देखिए आ गया गूगल साइन इन का ऑप्शन। यहाँ पे आप खुद का मोबाइल जो कि मोबाइल नंबर या मेल आईडी दे दीजिए। मैं अभी मेरा इधर जो कि मेल आईडी दे देता हूँ, और मेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आप जो क्या कीजिए ना, पासवर्ड भी दे दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, आप खुद का पासवर्ड दे दीजिएगा। पासवर्ड देने से आपका जो कि क्या होगा ना, उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आई एग्री कर दीजिएगा, तो आपका डिवाइस जो है जो कि ये जो आपका मेल आईडी जो वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं मेरा मेल आईडी दे दे, आई एग्री ऑप्शन का आ गया। तो यहाँ पे देखिए जस्ट ए सेकेंड चेकिंग इनफो, और यहाँ पे देखिए ये अनफॉर्चुनेटली लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए गूगल पे मेरा जो मेल आईडी है वो जो कि ऐड हो गया। तो ऐड हो गया मतलब अकाउंट हमारा ऐड हो गया। अभी हम क्या कीजिएगा, अभी हम क्या करेंगे ना, हम जो डिजेबल जो किए थे उसको सब अनेबल करेंगे। जैसे एप्लीकेशन को जाके गूगल प्ले सर्विस को अनेबल करेंगे, अनेबल नहीं करेंगे तो नहीं होगा फ़ोन। तो पहले हम उसको अनेबल करेंगे जो डिजेबल किए थे, जी अनेबल कर देते हैं। उसके बाद हम अगर गूगल एडमिनिस्ट्रेटर जो हम जो था डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर वो तो नहीं था हमारा, अगर वो होगा उसको भी एक्टिवेट कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, फ़ोन को जो कि उसके बाद रिस्टार्ट कीजिएगा। मैं अभी जो कि फ़ोन को रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ। रिस्टार्ट जो कि होने के बाद आपको पूरा नया जो सेटअप पूरा आ जाएगा, गैलेक्सी ऑन 7 मोबाइल पूरा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको पूरा सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा, वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। देखिए चेकिंग कनेक्शन, चेकिंग कनेक्शन यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, एग्री। तो ये जो कि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मोबाइल आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे चेकिंग कनेक्शन के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, उसके बाद आपको जो कि आपका मेल आईडी जो आपका था वो एडेड बोल के लिखेगा, उसके बाद पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, मोबाइल आपका ओपन हो जाएगा, 100% है। और आपको एक बात बोल दूँ, ये टेस्टेड है, हो जाएगा। और उसके बाद मोबाइल जो सेटअप कंप्लीट होने के बाद आप क्या कीजिएगा ना, पूरा सेटिंग को जाके बैकअप डाटा रीसेट जो सेटिंग है वहाँ पे पूरा रीसेट कर दीजिएगा। वहाँ पे रीसेट करने से और FRP नहीं मांगेगा, मोबाइल आपका पूरा फिर से नया करके सेटअप होकर फिर से रिस्टार्ट करके कस्टमर को दे देना है, क्योंकि ना यहाँ पे आपका मेल आईडी है और जो FRP है जो EGFRP वो APK भी आपका कट जाएगा, सारे जो कि डिलीट हो जाएगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बहुत हो जाएगा, क्योंकि ना मोबाइल स्लो है, इसमें जो कि प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।